IPO, IPO, IPO. बहुत से बैंक, बहुत सी कंपनियां IPO लेके आ रही हैं और अब इसमें एक नाम और जुड़ रहा है, वो नाम है CSB बैंक का। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका अपने YouTube चैनल में मैं मुकुल अग्रवाल स्वागत करता हूं और अगेन एक वीडियो आपकी डिमांड पर कि क्या सर CSB बैंक में हम इन्वेस्ट करें या ना करें, IPO के लिए अप्लाई करें या ना करें। तो इस वीडियो को हमने कई पार्ट में करने की कोशिश की है कि ये कहाँ से शुरू हुआ, इसने लॉस प्रॉफिट बैंक ने क्या किया, इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे, फर्दर अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कई सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे इतनी इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। हमें उम्मीद है कि आपने CSB के IPO के बारे में सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना है तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ इससे जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन। और उम्मीद करूँगा कि अगर पूरी वीडियो बिना भगाए सुनेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा, और सिर्फ इस CSB बैंक के एंगल से फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि आपको जो अदर कभी IPO आएंगे तो उस अदर IPO में कहाँ कहाँ किस किस पिन पॉइंट पे ध्यान रखना है वो आपको समझ में आएगा। तो पिछले दिनों IRCTC के IPO ने लोगों को मालामाल कर दिया, बट बहुत लोगों को मालामाल होने का अवसर नहीं मिला क्योंकि IPO उनको मिल नहीं पाया और 300 का माल 900 हो गया काफ़ी लोग, और जिसके कारण आज के डेट में कोई भी IPO आता है तो लोगों को लगता है बस क्या वो IRCTC जैसा बन जाएगा। तो एग्जैक्टली अब CSB बैंक भी अपना IPO ला रहा है। तो रुकिए, जा कहाँ रहे हैं IPO खरीदने, थोड़ा सा सुन तो लीजिए, खरीदना है या नहीं खरीदना है। तो हमेशा की तरह जब भी IPO आता है और स्पेशली IRCTC के बाद आप लोग भागने लगते हैं बिना किसी जानकारी के, बिना पूरी स्टडी के, जबकि वो बिल्कुल पैर पे कुल्हाड़ी मारने की बात है, क्योंकि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। एग्जैक्टली वैसे ही हर IPO IRCTC नहीं होता। तो सबसे पहले इसको समझने से पहले, कोई डिसीजन लेने से पहले चीज़ों की जानकारी हम इकट्ठा करते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस IPO से जुड़ी हर छोटी बड़ी बारीकी पे ध्यान देने का। CSB बैंक एक बहुत पुरानी बैंक है, 1920 में स्टार्ट हुई थी ये पब्लिक सेक्टर की बैंक, और इसकी जो पकड़ है वो साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा है, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, और इस बैंक के करीब 1.3 मिलियन कस्टमर हैं, और CSB बैंक के 277 ATM और 414 ब्रांचेज हैं। CSB बैंक करीब करीब 16 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरीज में अवेलेबल है। अब बात आती है कि CSB बैंक के जो प्रमोटर हैं वो कौन है। तो इनके प्रमोटर हैं फिच मॉरिसस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, FIHM। 2018 में व्हाट्सएप फेयरफैक्स इंडिया होल्डिंग ने, फिच ने CSB बैंक के 51% शेयर लिए, मतलब उनको 440 करोड़ रुपए का पेमेंट करना पड़ा। और IPO के आने से CSB के जो प्रमोटर हैं उनकी शेयर होल्डिंग में बहुत ही माइनर गिरावट आएगी। पहले वो होल्डिंग थी 50.09%, जो अब 49.7% हो जाएगी। अब जैसा कि आज फ्राइडे 22 नवंबर IPO खुल गया है, और आप आज से लेके 26 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं, यानी 22 नवंबर से 26 नवंबर तक रहेगा, 26 नवंबर को बंद हो जाएगा, और इस IPO के जरिए बैंक 410 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाएगा। अब बात आती है कि इसका प्राइस बैंड क्या है। तो इसका प्राइस बैंड जो है 193 से 195 रुपीस का है, जो IPO के शेयर के मूल्य का दायरा है वो 193 रुपीस से 195 है, जिसमें जो न्यूनतम मिनिमम बिड है वो 75 शेयर की है। तो 75 × 195 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया 195 × 75, दैट मीन्स 14,625 रुपये। तो कहने का सेंस ये है कि इस IPO के जरिए 1.98 करोड़ शेयर बेचे जाएंगे। जिन ग्राहकों को IPO अलॉट होगा वो उनके डीमेट अकाउंट में 3 दिसंबर को क्रेडिट हो जाएंगे, जबकि 4 दिसंबर के बैंक को के जो शेयर हैं उसकी एक्सचेंज में लिस्टिंग हो जाएगी, और IPO के बाद CSB बैंक के शेयर NSE और BSE में
लिस्ट होने के बाद आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो इस ड्यूरेशन में, अगर नहीं करते हैं तो जो डेट को वो लिस्ट हो जाएंगे उसके बाद आप एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सीएसबी बैंक के आईपीओ के अंदर फ्रेश इशू ये भी देखा जा रहा है कि तकरीबन 24 करोड़ की जो इक्विटी शेयर होंगे और ये 24 करोड़ रुपए बैंक के जेब में जाएंगे। जो 410 करोड़ रुपए की जनरेशन की जा रही है उसमें से 24 करोड़ बैंक के शेयर में जाएंगे और उसके अलावा जो बाकी का बचा हुआ माल है वो ओएफएस यानी ऑफिस फॉर सेल में जो पुराने निवेशक हैं वो अपना माल बेच रहे हैं, यानी पुराने निवेशक ने पहले से इन्वेस्ट किया था अब इस माल पे बेच के वो अपनी माल को छोड़ के जाएंगे, जो अराउंड 1.97 करोड़ इक्विटी शेयर होगा। तो ये इस तरीके से चीज़ें हैं जो निकल के जा रहे हैं। अब आपके दिमाग में होगा कि ऐसा कौन नाम है जो बेच के जा रहा है, तो HDFC लाइफ, रिलायंस निप्पन लाइफ इंश्योरेंस और ICICI प्रूडेंशियल, ये इनमें से काफ़ी ये बड़े नामों में आ रहे हैं। और अगर इन सब इंफॉर्मेशन के बाद अगर आपको ये लगता है कि इसके आईपीओ में पैसा लगाने में दिक्कत क्या है, तो रुकिए, यस रुकिए, पहले मेरी बातों को पूरा ध्यान से सुनिए, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सीएसबी बैंक के फाइनेंस पे नज़र डालें, फाइनेंशियल स्टेटस पे नज़र डालें, तो आपको निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि पिछले 3 साल में इसको लॉस हुआ है। 2017 में 58 करोड़ यानी 58 करोड़, 2018 में 127 करोड़, 2019 में 66 करोड़, यानी 3 साल लगातार लॉस, और इस हाफ ईयर में 44 करोड़ का मुनाफा देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही ध्यान देने की बात है। अब उससे भी ज़रूरी चीज़ जो बात आती है कि लॉस जो 3 साल से हो रहा था, फिर जो मुनाफा आया बहुत माइनर है, आगे भी चीज़ों को ध्यान रखने की। अब सीएसबी बैंक के आईपीओ में 75% शेयर QIB, 15% शेयर गैर संस्थातक निवेशक और 10% शेयर जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनके होंगे, उनके लिए रिजर्व किए जा रहे हैं। बैंक ये कदम जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, रिज़र्व बैंक की ओर से जो लिस्टिंग का जो नियम है उसको पालन करने के लिए कर रहा है। और जो सीएसबी बैंक के मेन प्रबंध निदेशक हैं CBR राजेंद्रन, उन्होंने कहा है 3 बीमा कंपनियां HDFC लाइफ और रिलायंस निप्पन लाइफ करीब अपनी 6% की हिस्सेदारी को बेच के एग्जिट कर रही है। अब बात आती है कि बड़े नाम बेच के निकल रहे हैं और आईपीओ के द्वारा आपकी एंट्री कराई जा रही है, तो आखिर मामला क्या है? तो आपको एक जानकारी और बताना चाहेंगे कि पिछले ही साल प्रेमवत्स की कंपनी फेयरफैक्स इंडिया होल्डिंग कॉरपोरेशन की सीएसबी बैंक की प्रमुख हिस्सेदारी खरीदने के लिए आरबीआई से विशेष अनुमति मिली थी, बट प्रेमवत्स ने जो ये बैंक में हिस्सेदारी खरीदी थी, ध्यान से सुनिएगा, प्रेमवत्स ने जो बैंक में हिस्सेदारी खरीदी थी उसका प्राइमरी कंडीशन था कि अगर ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होगी तो ही मैं खरीदूंगा, वरना मैं नहीं खरीदूंगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये लिस्टिंग की शर्त पे ही डील हुई है, और डील के बाद भी जो मेन जो 6% का बड़ा नाम है वो प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं। तो कहीं नहीं कुछ चीज़ें हैं जो IRCTC से अगर तुलना करते हैं तो काफ़ी अलग है। जहाँ तक बात आती है तो जो CSB बैंक है, इसको पहले कैथोलिक सीरियन बैंक के नाम से जाना जाता था, और केरल स्थित जो ये प्राइवेट बैंक है इसका नाम सीरिया युद्ध की वजह से बदला गया था, जिसे CSB बैंक किया गया, क्योंकि एक्चुअली जो बैंक के नाम में सीरिया शब्द जुड़ा था ना, और इनके जो NRI खाताधारक थे वो खातों में पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे थे, और जिसके कारण उन्हें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा था। जहाँ तक इस बैंक के बिज़नेस का बात आता है तो ये थोक बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग, SME बैंकिंग और ट्रेजरी में काम करता है, इवन गोल्ड में भी इनका काम है। तो इस तरीके से ये काम में बिज़नेस में पकड़ बना रखे हैं और पकड़ बना के बिज़नेस ले रहे हैं। अब बात करते हैं CSB बैंक के IPO के प्राइसिंग का नज़रिया देखा जाए तो ये तकरीबन 195 रुपया निकल के आता है, जो कि काफ़ी महंगा है, और अगर इसका प्राइस रेशियो 2.4 निकल के आता है और इसका ROA 0.5% है, और बात की जाए ROE की तो वो 3% पाया गया है। तो इस बात से आपको ये समझ आ गया होगा कि IPO जो है कहीं ना कहीं महंगा है, और
अगर फेडरल बैंक में आपने कभी काम किया होगा तो फेडरल बैंक इससे ज़्यादा सस्ता है और बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। तो और इवन जो फेडरल बैंक है वो बहुत ही जल्दी इंटेलिजेंस टेक्निक पे काम करना शुरू कर रहा है, जिसमें एचआर के लिए उन्होंने इंटेलिजेंस टेक्निक अपनाई है, जिस पे वो शायद इंडिया का पहला बैंक भी बनेगा जो इस टेक्निक पे काम करेगा। तो इसीलिए मेरी राय में IRCTC जैसा बिल्कुल इसको ना समझें और सोच समझ के ही दाव लगाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और हमारी जो जानकारी हर हिस्सों में अलग अलग आपको देने की कोशिश की गई, बैंक क्या था, बिज़नेस क्या है, लॉस क्या है, जो बैंक की वैल्यूएशन निकल के आ रही है वो क्या है, और उसके आधार पे इसको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन सटीक प्रॉपर लगी या नहीं लगी, या आप और क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारी कोशिश है हम आपको आपकी भाषा में डिलीवर करें, इसलिए हमने टेक्निकल को छोड़ के सीधा आपकी भाषा में देने की कोशिश की। और आपका कमेंट हमें हमेशा इम्प्रूव करने के लिए मोटिवेट करता रहता है, तो आपका कमेंट बॉक्स में स्वागत है। थैंक यू सो मच।